अगर आप चाहते हो, हम चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो, तो तंत्र मंत्र इन षड्यंत्र से इनसे दूर रहना, मंत्र से नहीं, ये जो यंत्र और तंत्र होते हैं, तंत्र से तो 100% दूर रहना चाहिए। मंत्र स्वीकार करो, जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, ये मंत्र आपके लिए करोड़ों करोड़ों गुना लाभदायक है। आपकी सबसे बड़ी पावर अगर किसी में है तो वो गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र में है, इसलिए उस मंत्र को निष्ठा के साथ जाप करना चाहिए। कई लोग मंत्र ले लेते हैं लेकिन जीवन में कभी जाप नहीं करते, उन्हें ये पता ही नहीं है कि मंत्र जाप भी करना है, उन्हें बस दुनिया को बताना है कि हाँ हमारे गुरु जी हैं बस, ऐसा नहीं। ये तो ऐसे हो गया, शादी तो कर ली पर पत्नी को साथ नहीं रखते, उतना ही बड़ा पाप है। मंत्र लेने के बाद अगर जाप नहीं करोगे तो उतना ही बड़ा पाप है कि मंत्र तो ले लिया जाप नहीं किया, तो स्वर्ग जाने की बजाय नरक के रास्ते खुल गए आपके। जब मंत्र ले लो तो जाप करो, क्योंकि उस मंत्र से बड़ी संपत्ति ब्रह्मांड में कोई दूसरी नहीं है। बोलो राधे राधे। आजकल तो लोग घरों में पीर बना लेते हैं, घरों में पीर की पूजा करते हैं, सनातनी होने के बावजूद भी। और एक बात बताएं, जो रियल उस व्यक्ति धर्म को मानने वाले लोग होते वो भी पीर की पूजा नहीं करते, जो रियल उस धर्म को मानते वो भी नहीं पूजा करते, उसकी पूजा तुम करते हो। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे भगवान नहीं दे सकते, ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसे भगवान पूरा नहीं कर सकते। बस हृदय से उनकी आराधना करो, हृदय से उनका जाप करो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कई लोग तो भूत प्रेतों का भजन करते हैं, साहब देवी देवताओं की तो छोड़ ही दो, भूत प्रेतों की पूजा करते करते कि नहीं, उनसे सावधान रहो। भजन सिर्फ भगवान का करो। बोलो राधे राधे।